हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारी जिंदगी में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में आईक्यू का, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कितना महत्व है। अब वो धारणा पुरानी पड़ चुकी है दोस्तों, जब ऐसा माना जाता था कि इंसान का आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धिमता ही उसकी सफलता का आधार है। आजकल ऐसा माना जाने लगा है दोस्तों कि ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन यानी भावनात्मक विवेक के बिना बुद्धिमता का सही उपयोग नहीं हो सकता। जीवन के गणित की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज के मनोवैज्ञानिक इसी फॉर्मूला को कारगर मानते हैं। कैसे भावनाएं हमारी बुद्धिमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार और व्यक्तित्व को संचालित करती हैं, हमारे पर्सनैलिटी को बनाती हैं, और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए भावनात्मक विवेक क्यों जरूरी है, इमोशनल क्वोशंट क्यों जरूरी है, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए इंसान के मन की बारीकियों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अब मिसाल लीजिए दीपक की। दीपक की उम्र है 30 साल। वो एक प्राइवेट कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इस वजह से ऑफिस में सभी कलीग्स उससे बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन कोई भी दीपक के काम की तारीफ नहीं करता। और वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ भी खुश नहीं है। उसके मैरिड लाइफ में भी काफी तनाव है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बीना 25 साल की है, उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसे अपनी सास के व्यवहार से ऐसा महसूस होता है कि वो उससे अक्सर नाराज रहती है। वो अपनी तरफ से उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो अक्सर चिढ़ी हुई नजर आती है। इस वजह से वो बहुत टेंशन में रहती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दोस्तों, लोगों के नाम और शहरों के नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसी समस्याओं से हमारे आसपास का हर दूसरा व्यक्ति परेशान होता है। ऐसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसी समस्याओं की खास वजह भावनात्मक संतुलन की कमी होती है। आजकल बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और कामयाब लोग भी ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझते नजर आते हैं, जिन्हें इमोशनल क्राइसिस का नाम दिया जाता है। इनमें वो लोग जिनकी भावनात्मक बुद्धिमता का स्तर ऊंचा होता है, इमोशनल क्वोशन का लेवल ऊंचा होता है, ऐसी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ निकालते हैं। लेकिन जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है, उन्हें ऐसी समस्याओं से बाहर निकलने में बहुत बहुत परेशानी होती है। इसलिए आज के मनोवैज्ञानिक आईक्यू के साथ यानी इंटेलिजेंस क्वोशन के साथ ईक्यू को भी यानी इमोशनल क्वोशन को भी बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उनका मानना है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत करके टेक्निकल स्किल्स हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिस तरह मनोवैज्ञानिकों ने बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए आईक्यू के सिद्धांत को ढूंढ निकाला यानी इंटेलिजेंस क्वोशन्ट के सिद्धांत को ढूंढ निकाला, उसी तरह भावनात्मक विवेक को मापने के लिए यानी इमोशनल क्वोशन को मापने का सिद्धांत भी है। इसके तहत क्वेश्चनेयर और साइकोलॉजिकल स्टडी के जरिए व्यक्ति के भावनात्मक विवेक की जांच की जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल मनोवैज्ञानिक भावनात्मक विवेक को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। भावनात्मक विवेक के सिद्धांत के मानने वालों का ये कहना है कि ट्रेडिशनल रूप से जिसे हम आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं, उसका क्षेत्र बहुत लिमिटेड है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का दायरा बहुत बड़ा है। इसी में इंसान का व्यवहार, उसका बिहेवियर भी शामिल होता है। दोस्तों, क्या आप नहीं मानते कि बौद्धिक रूप से कोई भी इंसान चाहे कितना ही सक्षम क्यों न हो, लेकिन भावनात्मक मैच्योरिटी के अलावा यानी इमोशनल मैच्योरिटी के अभाव में वो असफल हो सकता है। दोस्तों, सफलता का मतलब क्या है? यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ करियर की सफलता या शोहरत से नहीं है, बल्कि इस शब्द को व्यापक अर्थों में देखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए सफलता के अलग मायने हो सकते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति को संगीत से सुकून मिलता है। संगीत देता है उनके मन को सुकून और शांति।
कविता कृष्णमूर्ति का जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ और जॉइंट फैमिली में ही वो पली बढ़ी। उनकी शादी भी एक बड़े परिवार में हुई है। उन्हें रिश्तों के साथ एडजस्टमेंट करना आता है। मुश्किलों से उन्हें डर तो लगता है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में बड़ों की राय जरूर लेती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि समस्या का हल जल्दी निकल आए। भावनात्मक संतुलन से व्यक्ति हमेशा ही कामयाब होता है। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति की खासियत यह है कि वो न तो छोटी छोटी बातों पे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, न ही असफल होने पे ज्यादा उदास होती हैं। वो मानती हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उन्हें भी सहजता से स्वीकार कर लेना अच्छा होता है। अगर वो किसी कारणवश परेशान होती हैं और उस दौरान उन्हें कोई गाना रिकॉर्ड करना होता है, तब भी गाते वक्त सब कुछ भूल कर उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने गाने पे होता है। उसमें कविता कृष्णमूर्ति अपनी किसी परेशानी को आड़े नहीं आने देती। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति का मानना है कि किसी भी काम में उनके परिवार का सपोर्ट ज्यादा होता है, महत्वपूर्ण होता है। जब से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, उनके घर वाले किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट है। कविता को ऐसा लगता है कि संगीत आपकी हर मुश्किल की दवा है। अगर उनका मन परेशान होता है तो खुद गाती हैं या शास्त्रीय संगीत सुनती हैं। इससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता देता है। इससे आपको आत्मबल मिलता है और आप किसी भी संकट से उबर सकते हैं। अच्छे लोगों की संगत और आध्यात्मिक विचारों को अपनाने से तनाव हमेशा कम होता है। कविता कृष्णमूर्ति नकारात्मक बातों को अपने मन में जगह नहीं देती, क्योंकि इससे उनका मन खराब होता है और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति को पहले गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन अब उन्होंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है। कविता कृष्णमूर्ति को संगीत से सुकून मिलता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अपनी भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित करने का ट्रेनिंग हमें बचपन से ही घर और स्कूल के जरिए से मिलता रहता है। बच्चा जब किसी बात के लिए रोता है या छोटी छोटी बातों पे अपने गुस्से का इजहार करता है, तो उसे यही समझाया जाता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह बचपन से ही धीरे धीरे हमारे शख्सियत का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस ढंग से हो रहा होता है कि उसमें नेगेटिव फीलिंग्स के लिए बहुत कम जगह होती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है दोस्तों, कि हमारे समाज में इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रति अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। अक्सर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बने, इसलिए वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके कोई बच्चा भविष्य में IAS ऑफिसर तो बन सकता है, लेकिन एक अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कितना सफल होगा, इसका फैसला केवल इस बात से होता है कि बचपन में उसे इमोशनल ट्रेनिंग किस तरह से दिया गया है। दोस्तों, भविष्य में बच्चे का करियर क्या होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि बच्चे को अच्छा इंसान बनाने का काम सिर्फ उसके माता पिता ही कर सकते हैं? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हिंदुस्तानी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित होती हैं और उनका भावनात्मक स्तर बहुआयामी होता है। ये निष्कर्ष अब तक के रिसर्च से ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि स्त्रियां भावनात्मक उतार चढ़ाव को झेलने में ज्यादा सक्षम होती हैं। बचपन से ही उन्हें अलग अलग तरह की भावनाओं को समझना और उनके अनुरूप व्यवहार करना सिखाया जाता है। उनकी भावनाओं में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती, लचीलापन होता है और वो उन्हें अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती है। स्त्रियों में सहन शक्ति ज्यादा होती है, ये भी आपने जरूर देखा होगा। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में कभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी दादी माँ, इनमें आपसे कहीं ज्यादा सहन शक्ति होती है? इसी वजह से दोस्तों, शादी के बाद बिल्कुल नए माहौल के साथ एडजस्ट करने में स्त्रियों को, लड़कियों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। स्त्रियां जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हिम्मत के साथ मुकाबला करती हैं।
हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, स्त्रियां जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हिम्मत के साथ मुकाबला करती हैं। यह आपने देखा होगा, अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो स्त्रियों को अपना मानसिक तनाव दूर तो स्त्रियों को अपना मानसिक तनाव दूर करने के लिए शराब, सिगरेट, इन चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि पुरुषों की एक्सप्रेशन का, इमोशनल एक्सप्रेशन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। स्त्री और पुरुष के बीच का ये फर्क उनके व्यक्तित्व की बुनियादी बनावट के कारण होता है। दोस्तों, आई एम श्योर यू एग्री कि स्त्रियां मूल रूप से अंतर्मुखी और पुरुष बहिर्मुखी होते हैं। इसलिए जहां स्त्रियां अपने मन में उठने वाली भावनाओं को दबा छुपाकर अपने भीतर समेटे रहती हैं, वहीं पुरुषों में सहन शक्ति कम होती है और वो अपनी भावनाओं की एक्सप्रेशन पे कोई नियंत्रण नहीं रखते और आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी ऑफेंसिव भी हो जाते हैं। इसी के कारण स्त्रियों को डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी समस्याएं होती हैं। और दोस्तों, पुरुषों को क्या होता है, पुरुषों में हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं ज्यादा नजर आती हैं। इसकी वजह है कि स्त्रियां मूल रूप से अंतर्मुखी होती हैं और पुरुष मूल रूप से बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील, हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, मेरा मानना है कि इंसान को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखने में आध्यात्मिकता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज लोग हर जगह इमोशनल क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आध्यात्मिक समझ यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन व्यक्ति की बुद्धिमता और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करती है। ईमानदारी से आत्ममूल्यांकन करना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना, सेल्फ असेसमेंट करना और अपने आप को समझना ही SQ है, यानी स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, यानी स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, स्पिरिचुअल बैलेंस है। दोस्तों, जिसने स्पिरिचुअल क्वोशेंट को समझ लिया, उसे भावनात्मक रूप से किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दरअसल आध्यात्मिकता भावनाओं को सही दिशा देती है। आपने भी देखा होगा, जब व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है तो वो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण पा लेता है। सत्संग, योग, ध्यान, भक्ति, दुर्बलों की सेवा, परोपकार और त्याग से व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता की भावना डिवेलप होने लगती है। भावनाएं कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकती हैं, लेकिन अध्यात्म इंसान के जीवन को सही दिशा देता है और उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकता है। मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील, हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में जितनी जल्दी अध्यात्म का प्रवेश होगा व्यक्ति के लिए उतना ही अच्छा होगा। डू यू अग्री विद दिस? दोस्तों, महाभारत में अर्जुन के सामने जब सारे सगे संबंधी खड़े थे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की अंतरात्मा को जगाया था। अर्जुन के पास IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट और EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट दोनों थे, लेकिन इन दोनों को संतुलित करने के लिए उनके पास स्पिरिचुअल क्वोशेंट नहीं था और श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया। दोस्तों, क्या आपको गुस्सा आता है? क्या मुझे गुस्सा आता है? जी हाँ दोस्तों, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मेरा मानना है कि गुस्सा भी सकारात्मक होना चाहिए। हर समंदर में लहरें आती हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम लहरों को तूफान न बना लें। दोस्तों, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि गुस्सा किसी के भले के लिए भी किया जा सकता है। क्रोध भी एक ऊर्जा है जो व्यक्ति में सकारात्मक भावना जगाता है। कल से आज को अच्छा और आज से आने वाले कल को बेहतर कैसे बनाया जाए, बस हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, हर समंदर में लहरें आती हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम लहरों को तूफान न बना लें। मतलब ये दोस्तों कि गुस्सा किसी के भले के लिए भी किया जा सकता है, क्रोध भी एक ऊर्जा है जो व्यक्ति में सकारात्मक भावना जगाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। क्या आप कभी अपने अंतर मन में झांक कर देखते हैं? अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझना भी भावनात्मक विवेक का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तभी मुमकिन होगा जब आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किन बातों से खुश होते हैं, कौन सी बातें आपको नापसंद हैं। अगर कभी आपका मूड खराब है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस वजह से आपका मूड खराब है, किन बातों को लेकर आप चिंतित हैं,
किन बातों से आप परेशान हो जाते हैं, आपके मन में किन बातों को लेकर इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, ये आपको साफ साफ पता होना चाहिए। जब कभी आप अकेले बैठे हों, शांति से बैठे हों, तो ऑब्जेक्टिवली तटस्थ होकर दूसरों की नजर से अपना एनालिसिस करें, आत्मविश्लेषण करें। दोस्तों, जब आप ईमानदारी के साथ अपने व्यक्तित्व का असेसमेंट करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होंगे। इससे अपने फीलिंग्स को नियंत्रित करना, उन्हें संतुलित करना और भी आसान हो जाएगा, बिल्कुल सहज हो जाएगा ये सब, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंतर मन में झांकें। आप समझ जाएंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, किससे आप परेशान होते हैं, किससे आप चिंतित होते हैं और किस वजह से आप असुरक्षित महसूस करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, लुक इनटू योर माइंड, अपने अंतर मन में झांक कर देखें। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मोनिका एक एड एजेंसी में काम करती है। पहले छोटी छोटी बातों पे उनका मूड जल्दी खराब हो जाता था। कई बार तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि उन्हें इतनी झुंझलाहट क्यों हो रही है। कभी वो ऑफिस में बेवजह किसी कलीग से उलझ पड़ती, तो कभी जरा सी बात पे घर में बच्चे को बुरी तरह डांट देती। फिर मोनिका को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उनके साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है। उसके बाद जिस किसी रोज उनका व्यवहार नॉर्मल से परे होता, असामान्य होता, उस रात सोने से पहले वो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछती कि आज उन्हें गुस्सा क्यों आया, आज उनका मन उदास क्यों था। फिर वजह ढूंढकर वो उसे ही दूर करने की कोशिश करती। अगर वो कारण दूर नहीं हो सकता तो वो अपना ध्यान दूसरी ओर बटाने और अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखने की कोशिश करती। ऐसा करने के बाद अब मोनिका अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करती है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर मन में झांक कर देखने की कोशिश की। इसलिए दोस्तों, अपने अंतर मन में झांकना बहुत जरूरी है कि हम क्यों उदास होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों मायूस होते हैं, किस वजह से हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अपने अंतर मन में जरूर झांके दोस्तों। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अपने फीलिंग्स पे नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना कोई सिंपल काम नहीं है, लेकिन ऐसा कर पाने में जो इंसान सक्षम होता है उसे लगभग जीवन की आधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, जीवन में अनुशासन लाकर भावनाओं को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, कहानियां सुने या जीवन के लिए ये दिशा निर्देश तय करेंगे कि मन में नकारात्मक भावनाओं को आने नहीं देना है, तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाओं से आप काफी हद तक ऊपर उठ सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, यानी दूसरों की बात चाहे वो अच्छी हो या बुरी ध्यान से सुने, लेकिन उस पे सोच समझ कर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अगर कोई क्रोध में आकर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में आपका नाराज होना सही नहीं है, बल्कि उस वक्त आप शांत रहें और बाद में जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए तब आप उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कोई भी निर्णय लेते समय इंसान को अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर जोश में आकर, जज्बाती होकर, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित होता है। बचपन में वो कहानी तो आपने भी जरूर सुनी होगी दोस्तों, कि नेवले के मुंह में खून लगा देखकर किसान की पत्नी ने यह सोचा कि इसी ने मेरे बच्चे को काटा है, और गुस्से में आकर उसने नेवले को मार डाला। बाद में उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि नेवले ने उसके बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि उसने तो सांप को मारकर उसके बच्चे की रक्षा की थी। ये बात उस स्थिति के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हों, आप बहुत बड़े ऑफिसर हों और आपके निर्णय से कई लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इतिहास कई ऐसे राजाओं और शासकों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा है, देखा है, सुना है कि इतिहास कई ऐसे राजाओं और शासकों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने भावनात्मक आवेश में आकर देश को
युद्ध की आग में झोंक दिया और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। इसीलिए दोस्तों, कोई भी निर्णय लेते समय इंसान को अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वो खुद इमोशनल मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का व्यक्तित्व इमोशनल मैच्योरिटी का जीवंत उदाहरण है। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते समय भी अभिनव बिंद्रा के चेहरे पे जिस तरह की शांति का भाव था, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा, क्योंकि उन्होंने न तो उछलते कूदते और चीखते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और न उनकी आंखों में खुशी के आंसू ही आए। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल लेते समय यही कहा, सिर्फ यही कहा कि इत्तेफाक से आज का दिन मेरा है, कल किसी और का होगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण के उपदेश में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। स्थित प्रज्ञ से मतलब यह है कि जो इंसान अपनी भावनाओं पे काबू पा लेता है, चाहे अपार हर्ष हो या विषाद, बेहद खुशी हो या बेहद निराशा, दोनों ही हालात में उसका व्यवहार संतुलित रहता है। अपने आसपास हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, शायद ही कभी स्कूल गए हों, इसके बावजूद जीवन की कठिन परिस्थितियों का हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला करते हैं और राह में आने वाली बाधाओं से जरा भी नहीं घबराते। जबकि कभी कभी कुछ लोग जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, MBAs होते हैं, PhDs होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती है उनके पास और उनके पास आर्थिक संपन्नता होती है, जमीन जायदाद पैसा बहुत कुछ होता है, इसके बावजूद ये लोग छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी परेशानियों से भी विचलित होते हैं। दोनों तरह के लोगों के व्यक्तित्व में ये अंतर इमोशनल मैच्योरिटी के आधार पे होता है। जीवन में सफलता और सच्ची खुशी हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इमोशनल रूप से मैच्योर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोई भी इंसान भावनात्मक रूप से कितना मैच्योर होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपनी भावनाओं के एक्सप्रेशन के प्रति कितना अलर्ट है, कितना सचेत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सही मायने में भावनात्मक विवेक ही इंसान को जीने की कला सिखाता है, isn't it? कोई इंसान कम समय में कितना सही निर्णय ले सकता है, अपनी भावनाओं और व्यवहार पे उसका कितना नियंत्रण है, इन बातों से उसकी बौद्धिक क्षमता निर्धारित होती है। किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र का संचालन उसके भावनात्मक विवेक से ही होता है। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है कि आज देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आतंकवाद हो या नशाखोरी, ये सभी समस्याएं तभी जन्म लेती हैं जब व्यक्ति की भावनाएं दिशाहीन हो जाती हैं। क्यों दोस्तों, क्या मैं सही नहीं कह रहा? इसलिए मेरे विचार से हर इंसान को अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि प्रैक्टिस और शिक्षा से इमोशनल क्वोशन को बढ़ाया जा सकता है। सभी के मन में नकारात्मक विचार आते हैं और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे परेशानियों का सामना न करना पड़ा हो। भावनात्मक विवेक के इस्तेमाल से हर समस्या का हल डेफिनेटली ढूंढा जा सकता है। अगर हम अपने अंधेरे जीवन में उजाला नहीं ला सकते तो हमें अंधेरे को पीछे धकेलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे उजाला अपने आप सामने आएगा। दोस्तों, I repeat, अगर हम अपने अंधेरे जीवन में उजाला नहीं ला सकते तो हमें अंधेरे को पीछे धकेलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे उजाला अपने आप सामने आ जाएगा। हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।